दोस्तों, पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से दो कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर हम ये सारी बातें कहें तो आप हंसोगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट सच थी। जी हाँ, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला, तो ये पॉसिबल हो पाया एक हीरो की वजह से, और उस हीरो का नाम विक्रम साराभाई है। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं, या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई है। दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बार, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सबसे पहले जानेंगे कि विक्रम साराभाई कौन थे। तो दोस्तों, विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए, उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे है, वो है भारत में रहने का डिसीजन। अब सवाल आता है कि जिसे विदेश में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो फिर उन्होंने आखिर भारत में रहने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते थे। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी प्रिंट की गई थी, इंडिया नीड राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरनर नीड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। दोस्तों, लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत के डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है, स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है, और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। विक्रम साराभाई और उनके दोस्त होमी भाभा ने अगले कुछ साल में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसे पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। अब बात करते हैं द स्पेस रेस की। दोस्तों, बात है साल 1957 की, जब USSR ने एक चमत्कार किया, एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम स्पुतनिक था। यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब यह स्पेस में पहुंचा तो उसने दो मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए, एक कि अमेरिका से पहले ही USSR स्पेस में पहुंच गया है, और दूसरा स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गया क्योंकि नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। USSR की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए गुड न्यूज थी। दोस्तों, अमेरिका और USSR की स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। यह है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्ट स्पाइंस में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया, और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले USSR, जापान, इसराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का चौथा देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि 70 से पहले चांद तक पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितना ज्यादा अलाइव, जितना ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीक एक पार्ट की जरूरत थी, और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपारको को एस्टेब्लिश किया, और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहले रॉकेट को लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट के लिए यूज होती है, वो भारत पर अटैक करने वाली मिसाइल के लिए भी हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। अब बात करते हैं इंडिया फाइट्स बैक की। दोस्तों, विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा, उनके पास प्रॉब्लम की एक लंबी लिस्ट थी। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं, नहीं अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा, बिल्कुल नहीं। एट दैट इंडिया हैड नथिंग बट वी हैड होप। उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम को वन बाय वन करना स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेस के फील्ड में एक्सपर्ट थे, उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता CV रमन ने ट्रेन किया था, और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ में एक इम्पॉसिबल टास्क था, बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के, दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, हम में दम है और इसी से पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये बाल एक बैलगाड़ी से थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा, और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। आगे बात करते हैं इसरो और उसके अचीवमेंट्स की। दोस्तों, पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? तो दोस्तों, उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाई।
लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो, सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गांव में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसेट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है, और पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया। इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वो 2024 तक खुद के सैटेलाइट खुद लॉन्च कर पाए, और भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब हम बात करते हैं व्हाई पाक फेल्ड। पॉइंट पर आते हैं। इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा, पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हारा? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास, बट वी विल गेट वन ऑफ आर ओन। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट थे, उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिसमें अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री, विक्रम साराभाई लव्ड हिज कंट्री, बट ओनली वन कंट्री लव्ड देयर साइंटिस्ट बैक, एंड दैट्स द डिफरेंस। दोस्तों, ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए, खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। द ट्रूथ इज आई डोंट नो, व्हेन वी हैड नथिंग वी हैड होप एंड वी विल स्टिल एंड वी स्टिल मैनेज टू डू सो मच, लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्चर डेवलपमेंट पर और खर्च नहीं कर सकते, क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। इसरो, आईआईएम अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत का मंदिर मानते हैं, और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, उन्होंने यहां पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम भाई की जान ले ली। He was only 52. विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। एक इंसान एक बार नहीं दो बार मरता है, एक बार तब जब वो खुद मरता है, दूसरी बार तब जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। तो मेरा एक सवाल आपसे है, क्या हम भी वही गलतियां करेंगे जो पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ की गई थी? चलिए आज के दिन विक्रम साराभाई को मरने नहीं देते हैं, उनकी वैल्यू उसको जिंदा रखते हैं उनकी स्टोरी शेयर करके। आज का भारत, आज का भारत इसीलिए है क्योंकि कल के भारतीयों ने भारत के इस आइडिया को पहचाना, अपने अपनी फील्ड में सिर्फ खुद का नहीं भारत का भी नाम बनाया। जय हिंद।